press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Congratulations. सबसे पहले ये कौन से वाले हैं? नहीं नहीं गुलशन आपसे ही पूछ रहा हूँ. कौन से वाले हैं? लंबे सब 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 है ना. थैंक यू सो मच फॉर द लवली परफॉर्मेंस गाइज. दोनों तीनों हैं ये. अभी व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ लुक एट द सॉन्ग. बट बिफोर दैट राधिका आप ज्यादा तोड़ रहे हो या अभिमन्यु ज्यादा तोड़ रहे? दोनों तोड़ रहे हैं. मैं तोड़ रही हूँ, मैं फोड़ रहा है. कितने लोग हैं जो आजकल ऐसे मिल रहे हैं एकदम ऐसे की राधिका एकदम मैं नमस्ते करता हूँ. नमस्ते करते करते मैं उसको ऐसे ही मिलता हूँ. वो सन्यू दियोल का कितने किलो का हाथ है? इसका 5 किलो का है. He's just done it. मतलब अभी आपने न्यूज़ नहीं नहीं I'm not joking serious है. किसको पढ़ा है? पढ़ा तो ऐसे मुझे पढ़ी है ऐसे ये करती थी तो मैं राधिका. अभिमन्यु इसे कहते हैं तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस. लॉट ऑफ पीपल यू नो जब से हमने ट्रेलर देखा इतने सारे अवार्ड्स ऑलरेडी जीत लिए हैं, बहुत सारी तारीफ हो रही है. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग भाई यही है अपना अगला क्विंटेसेंशियल हीरो. क्या बोलने का है? नहीं यार कोशिश कर रहा हूँ. हाँ मेहनत कर रहा हूँ. बस 21 मार्च को देखना क्या होगा. उसमें मजा आएगा. देखो मैंने क्या गलत बोला, एकदम हीरो बोला ना इंडस्ट्री का. देखो दो दो लोग माइक पकड़ के खड़े हैं उसके लिए. क्या पोज था ब्रो? व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ लुक एट द सॉन्ग द विट. हाँ ये मारा भाई सर वो खुद बंद करनी पड़ेगी थोड़ा सा टर्न करके. वी विल टेक अ लुक एट द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग एंड देन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. राइट द मैन हु लव्स यू नो कीपिंग इट वेरी एकदम ऐसा लो प्रोफाइल. लेकिन सर हल्ला आपके लिए सबसे ज्यादा हुआ है. This is amazing. Come on, make some noise, yeah, ladies and gentlemen. Vasan Bala over here. ये जैसे इंडिया में आजकल चल रहा है कि किसी और का काम अपने को क्रेडिट, ये मुदस्सर ने बनाया वीडियो, मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाई है. बट सर जहाँ से आइडिया जर्मिनेट हुआ सर हम आपको पूरा क्रेडिट देंगे. यहाँ भी नहीं ले चाहिए नहीं हमें क्रेडिट, नाम भी किसी और का लिख दो. सर ये जो कास्ट है ये कमाल की. ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैं चाहता हूँ ये बता दो आप बस मेरे को. तो इनको तो मैं 2.5 साल से जानता हूँ अभिमन्यु और राधिका को. क्योंकि अभिमन्यु से हमने बहुत मेहनत कराई. 1.5 मैंने ऑडिशन कराया, फिर उसके बाद उसको बहुत ठंडे तरीके से बोला भाई तुझे पिक्चर मिल गई है. और फिर राधिका ने बस एक वीडियो भेजा, हाय आई एम राधिका, हमने सेलेक्ट कर लिया. ये फिल्मी लोगों की कहानी ऐसी होती है, यहाँ तो पूरा प्रोफाइल भेज दी, ये भेज दी, नाम एज घर गाँव सब, फिर भी नहीं मिलता कुछ. गिव इट अप फॉर राधिका लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन जोरदार तालियां. अभिमन्यु दसानी द रॉक स्टार ऑन द ब्लॉक एंड ऑफ कोर्स हमारे विलन साहब. सर ये दो विलन वाला आइडिया ये गुलशन को देख के कहां से क्या आया? मतलब एक हमने फिल्म बनाई थी पेडलर्स जो किसको पता नहीं है. यहाँ पे इरोस के ऑफिस है, उनके पास पड़ी है, हार्ड डिस्क को दे नहीं रहे. तो उसके बाद 6 साल लग गए फिल्म बनाने में, तो मैंने बोला यार गुलशन दो रोल कर लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा और पुराने की भरपाई भी हो गई यहाँ पे. ऑलराइट सो दिस इज द टीम. एंड क्या बोलते हो, मतलब मेरे को तो लग रहा है अब जब डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं तो इतनी सी परफॉर्मेंस वापस होती है आफ्टर वी हैव ऑलरेडी सीन द सॉन्ग. व्हाट डू यू पीपल से? अरे भाई इनको लगे साउथ की पिक्चर है, हिंदी पिक्चर ही है. सर ये ठप्पे बड़े सारे आप पहले से बोल रहे हो, आप कह रहे हो फेस्ट वाली नहीं लगनी चाहिए, शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया. अरे जब आप देखो आप है ना बहुत हिम्मत करके न्यू कमर्स के साथ फिल्म बना लेते हैं, फिर है ना सबसे पहले मार्केटिंग मीटिंग एक होती है, वो देख के बस देखते हैं बोलते हैं क्यों बनाए, तो फिर वहाँ से स्टार्ट होती है. ये तो ये सारे डिस्क्लेमर उसके वजह से डालने पड़ते हैं. वी ऑलरेडी सीन द वीडियोस जो ऐसा वायरल हुए जहाँ पे आप लोग का इंट्रो टाइप्स कुछ हुआ है, वो नेपोटिज्म की बात हो रही है, इसकी हो रही है उसकी, टेल अस समथिंग अबाउट दैट. जी सच्चाई है और क्या. पहले से ये लोग तैयार हैं भाई. जी सच दिखाया है जो भी दिखाया है और तभी शायद पसंद भी आए लोगों को. तो कोई उसमें फिल्टर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम ना प्लानिंग करेंगे. सर ने बोला जा अपनी भड़ास निकाल दे. मैं बोला श्योर सर. राइट अभिमन्यु व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर थिंग, आपका जो वीडियो एकदम आई मीन जो सच है वो सच है ना. हाँ मीन करना है तो करना है. मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स है ना. गुलशन क्या बोलना चाहेंगे इन दोनों की कमाल की केमिस्ट्री के ऊपर? विलन दोनों ने मुझे पैसे दिए हैं. हाँ तारीफ. मेरी एक्टिंग थोड़ी सी कम लगेगी इसमें, इसीलिए गाने में भी मैं थोड़ा कम ही हूँ. तो नए लड़के उनको चाहिए था, तो मैं बहुत बिकाऊ एक्टर हूँ तो मैंने डील कर ली इन लोगों के साथ में.